सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, 12:30 हुए हैं, संडे का दिन है और यहाँ पे हो गया है शिवांश रेडी होके तैयार, क्योंकि स्विमिंग में जा रहा है फिर से। अभी बड़ी मम्मी और वो लोग जाते हैं ना, तो साथ साथ में जाता रहता है शिव, तो उसको भी मजा आता है स्विमिंग के लिए। तो आज तो दो दिन से जा रहा है। हाँ। तो वैसे भी तो शिवांश को आ तो गया है स्विमिंग करने के लिए, ब्लेस यू। प्रॉपर आवड़ी क्यों छे ने हवे तो तने? हां प्रॉपर आवड़े छे, पण हजी ओलू थोड़क शीखवानू छे। ओके। हाँ तो ये बस चल रहा है अभी, आज संडे का दिन है, बाहर का मौसम है यूजुअल बारिश वाला। अभी इन दोनों को मैगी खानी है थोड़ी सी, तो लंच में बना रही हूँ मैगी। सुबह सुबह तो जो सीरियल वगैरह आता है वो तो खा ही लिया था। अभी डिनर में आई थिंक बनेगा डोसा। डोसा यस, क्योंकि कथा बनाने वाली थी डोसा, तो मैंने बोला कि मुझे ना सिर्फ वो बैटर दे देना, मैं घर पे ही बना लूंगी, क्योंकि इन लोगों को ना वो चीज वाला और न्यूट्रेला वाला वैसा डोसा पसंद है। तो तैयार है शिवान स्विमिंग पे जाने के लिए। बाहर बारिश की वजह से ना सरार जो है वो अच्छे से धुल चुकी है, कुछ करने की जरूरत नहीं, नाइस एंड क्लीन है ना। बहुत नाइस, थैंक यू। डेली आया आवे ना, अत्यारे શું કરવાનું છે? કઈ નથી કરવાનું, સરપ્રાઈઝ। શું સરપ્રાઈઝ કરવાનું છે? ડેલી તો વિડિયો ના જોતા હોય તો આ વિડિયો માં ના કહેવાય। ઓ તો શું કઈ પ્લાન કરે છે? હા ઓકે। तो बहुत ही अच्छे से बारिश के बाद अभी थोड़ा सा सन आ गया है यहाँ पे और मैं आ गई थोड़ा बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए, क्योंकि हीटिंग में रहते रहते ना हेडेक हो गया था मुझे। और अभी थोड़ा बहुत भी ना बारिश होता ना तो यहाँ पे बहुत ही मस्त सा रेनबो आता, हर बार यहाँ पे आता है बहुत अच्छा सा, पर आज नहीं आया है। एनीवे आज बस अभी थोड़ा सी धूप आई है, दोपहर के 3 बजे हुए हैं। आज सोच रही हूँ कि थोड़ा सा क्लीनिंग स्टार्ट कर ही दूँ, धूप होती है ना तो क्लीनिंग करने का जोश आता है। हाँ I got 10 dojo points. Let me say I have a really big one. Same amount. But we have one more 10 every day. Okay. चलो अभी आदि का भी बबल बाथ हो गया, शिव स्विमिंग में गया, आदि बबल बाथ नहीं गया, तो आदि का भी स्विमिंग घर पे ही हो गया। अभी निराले लोग आए हैं राजू भाई के घर पे, तो वहाँ बुला रहे हैं, तो जाते हैं वहाँ पे। हाँ चाय की प्याली हो आज तो भाभी उसके पिलाने वाली हो, आवी गई आवी गई बाकी होता कुछ है ही नहीं, तमे दूध ले लो मसाला वालों। गेम रमाय जो अहिया मजा पड़ी गई जो आज। आज तो बन रहा है जी डोसा, 5:30 हुए हैं बस, अभी राजू भाई घर से आए हैं और बीच में से कथा ने बुला लिया जो बैटर लेने के लिए, कथा के घर से जो आने वाला था डोसा का वो लेके आए हैं शिवांश और आदि के लिए। अभी बन रहा है डोसा, वहां से चिप्स तो खा के आए हैं, फिर भी डोसा का नाम लिया ना तो शिवांश के मुंह में पानी आ गया है ना। चीज वाड़ो खावा। मॉर्निंग हो गई है बहुत ही अच्छी सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल से ही मुझे लगता है कि मुझे ये कंटिन्यू करना पड़ेगा ब्लॉग। यहाँ पे दोनों दुरंधर हमारे जो है वो जग गए हैं, रेडी होके ब्रेकफास्ट करके रेडी हो गए हैं। आज है मंडे का दिन और आई थिंक लास्ट वीक है अभी स्कूल का, फिर उसके बाद हॉलीडे होने वाली है। लास्ट नहीं, अभी 2 वीक है आई थिंक। ना आ वक्त लेट है, 23rd अराउंड है तुम्हारा वेकेशन स्टार्ट। केम क्रिसमस ईव में, ક્રિસમસ ઈવ ના કહેવાય, 24th ના ક્રિસમસ ઈવ કહેવાય, 23rd તમારું પડવાનું છે વેકેશન। મમ્મા મારા બર્થડે માં અમે ટ્રીપ માં જઈશું કોઈ? હવે ટ્રીપ તો બુક કરાવી છે ડેડીને, હમ લોકોને ટ્રીપ તો બુક કરવાઈ થી લાસ્ટ ડિસેમ્બર મેં, તભી તો યે પતા નહીં થા કે મમ્મી કો યે હુઆ હોગા યા સબ કુછ, પર ટ્રીપ બુક કરવા લી થી, અભી દેખતે હૈ ક્યા હોગા, ગિરીશ આપ આતે હૈ યા નહીં, સ્પેશિયલી મમ્મી ઇમ્પોર્ટન્ટ। હા લાસ્ટ ડિસેમ્બર બુક કરાવી હતી। याद तो शिवाज तने कीधु न हो, सरप्राइज आपवानी होय,
तो इसीलिए अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है वहां पे। वैसे तो मम्मी की तबीयत ठीक है, पर फिर भी ऐसा होता है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और क्या जाए, वैसा मूड तो है नहीं। अभी देखते हैं क्या होता है। आज तो रिकवर है जो मम्मी की तबीयत है वो। तो बस बच्चों को छोड़ दिया है स्कूल पे और थोड़ी सी ना आज बारिश नहीं है, वेदर अच्छा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा वॉक कर लूँ। वॉक करते करते अभी ना कथा का फोन आया कि आजा घर पे थोड़ी सी चाय पीते हैं, गपशप करते हैं, तो वहाँ पे जाती हूँ थोड़ी देर के बाद और वहाँ पे आयरा से थोड़ी देर बातचीत करूँगी, खेलेंगे, फिर घर पे चले जाएंगे। फिर एज यूजुअल दिन पूरा का पूरा ऐसे ही हमारा निकल रहा है। मैं बहुत बहुत मैं और बच्चे याद कर रहे हैं गिरीश को, जल्दी जल्दी से बस वापस आ जाए। बोरिंग होता है बहुत ही घर पे अकेला रहना यार। अब जाके मुझे पता चला यार, मैं हर बार चली जाती थी ना, मैंने वैसे बोल, बट मोर इम्पोर्टेंट कि अभी मम्मी ठीक है और जल्दी जल्दी बस डिस्चार्ज भी कर देंगे होपफुली एक दो दिन में, तो गिरीश वापस आ पाए, वहाँ पे भी सब ठीक ठाक रहे, क्योंकि वहाँ पर भी गिरीश की ज़रूरत है। वैसा मैं बोल भी नहीं सकती कि जल्दी वापस आ जाओ, पर जो भी है बस ठीक ठाक सब कुछ हो जाए। महेश तू कई लैंग्वेज बोले आयरा? हाँ सीक्रेट लैंग्वेज हमें कोई नहीं किया खुद ही समझ में आता है। आयरा को नींद आती है ना तो ऐसा करने लगती है। आयरा तू इंडिया जाइने आवी तो कनिष्क ने आवुं बधुं तारे शीखवाडवानुं हतुं बेटा, कनिष्क ने तो ऊंघ ज नथी आवती। आयरा का सोने का इतना अच्छा है ना, बस यहाँ पे ऐसे ही सो जाएगी देखो। जो था ओ दैट्स गुड। એના રાતના ભી એવું જ કરો, દૂધ પી નહી જાય પછી બેડ પર મેને મૂકી દો, જાતે જામ રમતી રમતી સૂઈ જાય। म्यूजिक है ना पेलो बेबी, भगवान करे हर बच्चे ऐसे हो। थू 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 म्यूजिक चालू करी देवानो, एमा आवे ने आवे छे, मां केया जे लोका ऊंघ आवे छे। इवन तू भी थोड़ी वार सामने ना भी ऊंघ आवे ने, एव ए म्यूजिक जे हो आत्मा मुक्ति देवा। ऊपर सुई जाए ने छे ना देखो नीनी कावानी नीनी। तो आज घर पे बनने वाले है हांडवो, तो हांडवो के लिए मैंने सारे मिक्स जो दाल होती है ना वो भिगो दिए थी सुबह सुबह, तो बस अभी मैं पीस लेती हूँ। रात तक थोड़ा बहुत फर्मेंटेशन आ जाएगा, अगर नहीं आए तो थोड़ा इनो डाल के ही बना लूंगी, क्योंकि वो शिवांश बोल रहा था कि वो जो पिज्जा शेप में कुछ आता है ना वो बना के दो, क्योंकि मैं ये जो तवे पे बना के पिज्जा शेप में कट कर देती हूँ तो उन लोगों को अच्छा लगता है, लंच में भी चल जाता है नेक्स्ट डे। तो बस यही कर रही हूँ, फटाफट से पीस लेते हैं तो रात तक थोड़ा बहुत जो फर्मेंटेशन है वो आ जाए। आदि दीदी पैसे शू मंगाए इंडिया थी? मैंगो रस। ये तो ना आवे इंडिया थी? हाँ ना आवे। आदि को इंडिया का मैंगो रस इतना पसंद है ना, अभी जो अभी मैंने ये यहाँ की मैंगो जो है वो खोली ना, आई मीन कट की ना, तो वो भी उसको नहीं खानी थी, बस इंडिया का मैंगो रस ही चाहिए उसको। अभी नेक्स्ट टाइम तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके यहाँ पे थोड़ा लाना पड़ेगा, या यहाँ पे जब मैंगो आएगी ना तो मुझे यहाँ पे फ्रोजन करना पड़ेगा इंडिया के जैसे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बस आज भी है दोनों का स्विमिंग, अभी दो तीन दिन से स्विमिंग ही चल रहा है, मैं इस बार नहीं बोलूंगी चलो। तो बस आज हांडवा बनाना है, तो बैटर रेडी कर दिया था दोपहर को, आई मीन सुबह सुबह ही, दोपहर को तो नहीं हुई थी, सुबह कितने बजे 10 बजे अराउंड किया हुआ था। तो अभी देखते हैं ओवन में मैंने माइक्रोवेव में मैंने यहाँ पे रख दिया था गर्म करके, अभी देखते है कि थोड़ा वार्म तो लग रहा है कि कैसा है, अभी देखते हैं चलो। अभी वो ड्रायर चल रहा है ना उसी की आवाज आती है। हो गया है अच्छा। तो ये हमारा हांडवा का जो है वो बैटर तैयार है, ये मैं पुडला स्टाइल में बनाती हूँ ना तो बच्चों को अच्छा लगता है, सारे वेजिटेबल्स वगैरह डाल के बनाएंगे आने के बाद। घर में जितने वेजिटेबल्स पड़े थे वो डाल दिए हांडवा के बैटर में, यहाँ पे होने लग गया है हमारा हांडवा रेडी। बच्चे वेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी है, स्विमिंग के बाद बहुत ज्यादा भूख लगती है बच्चों को, तो फटाफट से बना देती हूँ और सर्व कर देती हूँ। आज तो भाई फरमाइश है कि पिज्जा स्टाइल में हांडवा खाना है, तो यहाँ पे चीज ऊपर डाल दी तो पिज्जा जैसा ही लग रहा है देखो। तो हमारा तो भाई हांडवा पिज्जा बहुत ज्यादा चला, लंच में भी ले गए बच्चे और डिनर में भी खाया,
तो स्कूल पे चले गए हैं बच्चे, अभी बस वीडियो का एंड यहीं पे कर देती हूँ। देखते हैं कल क्या करते हैं। बहुत ही जल्दी गिरीश भी आ जाने वाले हैं, मम्मी की तबीयत भी बहुत ही रिकवर है, 2-3 दिन में घर पे भी आ जाएंगे। जब तक गिरीश यहाँ आएंगे तब तक तो घर पे वापस अभी गए होंगे मम्मी। तो बस अभी वीडियो का एंड यहीं पे कर देती हूँ, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर लग रहा है तो प्लीज 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 लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी से। बाय बाय एंड टेक केयर।